हरे कृष्ण चुनौती अध्याय 21 धर्मनिरपेक्ष राज्य। यह वार्तालाप 1973 में स्टॉकहोम में श्रील प्रभुपाद एवं स्वीडन में भारत के राजदूत के मध्य हुआ। श्रील प्रभुपाद, अमेरिका तथा भारत में और विश्व भर के अनेक देशों में धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सरकारी नेता कहते हैं कि वे किसी धर्म विशेष का पक्ष नहीं लेना चाहते, किंतु वस्तुतः वे अधर्म का पक्ष लेते हैं। राजदूत, हाँ, हमारी एक समस्या है। हमारा समाज बहुत धर्मावलंबी है, इसलिए सरकारी लोगों को सतर्क रहना पड़ता है। हम धर्म के विषय में अति कठोर रुख नहीं अपना सकते। श्रील प्रभुपाद, नहीं नहीं, सरकार को कड़ा रुख अपनाना चाहिए। निसंदेह सरकार को सभी प्रकार के प्रामाणिक धर्मों के लिए निरपेक्ष रहना चाहिए, लेकिन उसका यह भी कर्तव्य है कि वह देखें कि लोग वास्तव में धार्मिक बने। ऐसा नहीं कि सरकार धर्मनिरपेक्ष राज्य के नाम पे लोगों को नरक की ओर जाने दें। राजदूत, हाँ यह सच है। श्रील प्रभुपाद, हाँ, यदि आप मुसलमान हैं तो सरकार का कर्तव्य है कि वह देखें कि आप सचमुच मुसलमान की तरह व्यवहार करते हैं। यदि आप हिंदू हैं तो सरकार का कर्तव्य है कि वह आपको हिंदू की तरह व्यवहार करते देखे। यदि आप ईसाई हैं तो सरकार का कर्तव्य है कि वह देखें कि आप ईसाई की तरह कार्य कर रहे हैं। सरकार धर्म को त्याग नहीं सकती। धर्मेण हीन पशु भी समानम। यदि लोग अधार्मिक हो जाते हैं तो वे पशु तुल्य हैं। इसलिए सरकार का कर्तव्य यह देखना है कि नागरिक जन पशु न बन जाएं। लोग भिन्न भिन्न प्रकार के धर्मों के अनुयायी हो सकते हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, किंतु उन्हें धार्मिक होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ यह नहीं है कि सरकार लापरवाह रहे, लोग कुत्ते बिल्लियां बन जाएं बिना धर्म के रहें। यदि सरकार परवाह नहीं करती तो वह उत्तम सरकार नहीं। राजदूत, मेरे विचार से आप जो कुछ कह रहे हैं उसमें बहुत सार है, किंतु आप जानते हैं कि राजनीति तो संभव की कला है। श्रील प्रभुपाद, नहीं, राजनीति का अर्थ यह देखना है कि लोग आगे बढ़ें, नागरिक आध्यात्मिक दृष्टि से बढ़ें, ऐसा नहीं कि वे पतित हो जाएं। राजदूत, हाँ मैं सहमत हूँ, लेकिन मेरे विचार से सरकार का पहला कर्तव्य है ऐसी सुविधाएं प्रदान करना जिससे प्रतिभावान व्यक्ति आप जैसे आध्यात्मिक नेता कार्य कर सकें। यदि सरकार इससे कुछ अधिक करती है तो वह विभिन्न धार्मिक समुदायों को भ्रष्ट भी कर सकती है। मेरे विचार से सरकार को खेल के निर्णायक अंपायर की तरह होना चाहिए। उसे स्वच्छंद विचार करने के लिए परिस्थितियाँ प्रदान करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद, नहीं, सरकार इससे भी ज़्यादा कर सकती है। उदाहरणार्थ, आपका वाणिज्य विभाग है। सरकार देखती है कि व्यापार तथा उद्योग के संस्थान अच्छी तरह चल रहे हैं। सरकार लाइसेंस देती है, उनके पास निरीक्षक और पर्यवेक्षक होते हैं। या मान लीजिए कि आपका शिक्षा विभाग है, उसमें शिक्षा के निरीक्षक होते हैं जो यह देखते हैं कि छात्रों को ठीक से शिक्षा मिल रही है। इस तरह सरकार ऐसे दक्ष व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है जो यह जाकर देखें कि हिंदू सचमुच हिंदुओं की तरह कार्य कर रहे हैं, मुसलमान मुसलमानों की तरह तथा ईसाई ईसाइयों की तरह। सरकार को धर्म के प्रति लापरवाह नहीं होना चाहिए। वह निरपेक्ष भले ही रहे, चाहे आप जिस धर्म को अपनाएं, उससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं, लेकिन यह देखना सरकार का कर्तव्य है कि आप ठीक से रह रहे हैं, आप धोखा नहीं दे रहे। राजदूत, अवश्य, जहाँ तक नीति विषयक आचरण की बात है, लेकिन इससे अधिक किस तरह संभव है? श्रील प्रभुपाद, बात यह है कि जब तक आप धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं करते, तब तक संभवतः आपका नैतिक आचरण उत्तम नहीं हो सकता। यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य किंचन सर्वेर गुण सतत्र समासते सुराः हराव भक्तस्य कुतो महद गुणा मनोरथे नास्ति धावतो बहिः। जिसमें ईश्वर के प्रति अविचल भक्ति होती है वह निरंतर समस्त दैवी गुण प्रकट करता है, किंतु जिसमें ऐसी भक्ति नहीं होती वह भगवान की भौतिक बहिरंगा शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए सदैव योजनाएं बनाता रहता है, जिससे उसमें कोई उत्तम नैतिक गुण नहीं आ पाते। श्रीमद् भागवत 5.18.12। जब तक आपकी ईश्वर में श्रद्धा, ईश्वर में भक्ति है, तब तक सब कुछ ठीक है। आखिर ईश्वर एक है,
ईश्वर न हिंदू है, न ईसाई है, न मुस्लिम है, ईश्वर एक है। इसलिए वैदिक ग्रंथ हमें बताते हैं, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतु क्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धि। समस्त मानवता का परम कर्तव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करना है। एकमात्र ऐसी अहेतु की तथा अनवरुद्ध भक्ति आत्मा को पूरी तरह तुष्ट कर सकती है। भागवत 1.2.6। अतः मनुष्य को धार्मिक होना चाहिए। धार्मिक हुए बिना तुष्ट नहीं हुआ जा सकता। आखिर विश्व भर में इतना अधिक असंतोष तथा इतनी अधिक अव्यवस्था क्यों है? क्योंकि लोग अधार्मिक बन गए हैं। राजदूत, मास्को में अनेकानेक लोग धर्म के विरुद्ध हैं, सरासर धर्म के विरुद्ध। श्रील प्रभुपाद, आप मास्को ही क्यों कहते हैं, सर्वत्र ही। कम से कम मास्को में वे ईमानदार तो हैं। वे ईमानदारी के साथ कहते हैं कि हम ईश्वर में विश्वास नहीं करते। राजदूत, यह तो सच है, सच है। श्रील प्रभुपाद, किंतु अन्य स्थानों में वे कहते हैं, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ, किंतु फिर भी वे धर्म के संबंध में कुछ नहीं जानते। वे ईश्वर के नियमों का पालन नहीं करते। राजदूत, मुझे तो लगता है कि हम में से बहुत से वैसे ही हैं, यह सच है। श्रील प्रभुपाद हंसते हैं, मैं कहूँगा कि कम से कम मास्को में वे भद्र हैं। वे धर्म को नहीं समझ सकते, अतः वे कहते हैं हम विश्वास नहीं करते। किंतु ये अन्य धूर्त तो कहते हैं हम धार्मिक हैं, हमें ईश्वर में विश्वास है। फिर भी वे सर्वाधिक अधार्मिक कृत्य करते हैं। मैंने कई बार ईसाइयों से पूछा है, आपकी बाइबल कहती है तू वध नहीं करेगा, तो फिर आप वध क्यों करते हैं? वे इसका संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाते। यह स्पष्ट कहा गया है तू वध नहीं करेगा, और वे कसाई घर चला रहे हैं, यह सब क्या है? हरे कृष्ण चुनौती, अध्याय 22। हम व्याघ्र चेतना में नहीं बने रह सकते। यह विचार विनिमय लॉस एंजलिस कृष्ण केंद्र में दिसंबर 1968 में श्रील प्रभुपाद तथा कुछ अतिथियों के बीच हुआ था। अतिथि, यदि मनुष्य पशुओं का मांस न खाएं तो संभवतः वे भूखे मर जाएं। श्रील प्रभुपाद, आप पशुओं के भूखों मरने से इतने चिंतित क्यों हैं? आप अपनी परवाह कीजिए, आप परोपकारी मत बनिए। ओ, वे भूखों मरेंगे अतः मैं उन्हें खा लूं, ये कैसा परोपकार है? भोजन तो कृष्ण प्रदान कर रहे हैं। यदि कोई पशु भूख से मरता है तो यह कृष्ण की जिम्मेदारी है, कोई भूखों नहीं मरता। यह मिथ्या सिद्धांत है। क्या आपने किसी पशु को भूखों मरते देखा है? ईश्वर के राज्य में किसी के भूखों मरने का प्रश्न ही नहीं है। हम अपनी ही इंद्रिय तुष्टि के लिए इन सिद्धांतों को बना रहे हैं। अफ्रीका तथा भारत के जंगलों में लाखों हाथी हैं, उन्हें एक बार में खाने के लिए 100 पाउंड भोजन चाहिए। यह भोजन कौन दे रहा है? ईश्वर के राज्य में भूखों मरने का प्रश्न ही नहीं उठता। भूखमरी तो तथा कथित सभ्य मनुष्य के लिए है। अतिथि, यदि मनुष्य मांस खाने के लिए नहीं होता तो प्रकृति में अन्य पशु क्यों वध करते? श्रील प्रभुपाद, क्या आप अन्य पशु हैं? अतिथि, हाँ, हम सभी पशु हैं। श्रील प्रभुपाद, क्या आप अपनी गणना पशुओं में करते हैं? क्या आप अपने को पशुओं के साथ वर्गीकृत करते हैं? अतिथि, हाँ, हम सभी पशु हैं। श्रील प्रभुपाद, नहीं, बिल्कुल नहीं, आप भले ही हो, हम तो नहीं हैं। क्या आप अपना वर्गीकरण पशुओं में कराना चाहेंगे? अतिथि, मुझे लगता है कि मैं पशुओं से बेहतर नहीं हूँ, मैं ईश्वर के सभी प्राणियों का आदर करता हूँ। श्रील प्रभुपाद, आप सबों का आदर करते हैं और पशुओं का वध करते हैं। अतिथि, यदि मनुष्य मांस खाने के लिए नहीं है तो फिर प्रकृति में पशु एक दूसरे को क्यों खाते हैं? श्रील प्रभुपाद, जब पशु एक दूसरे को खाते हैं तो वे प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं। जब आप मांस खाते हैं तो आप प्रकृति के नियम को तोड़ते हैं। अतिथि, क्या? श्रील प्रभुपाद, उदाहरणार्थ व्याघ्र कभी अनाज के लिए दावा नहीं करेगा, ओ आपके पास इतना अन्न है, मुझे थोड़ा अन्न दे दीजिए। यदि आपके पास सैकड़ों बोरे अन्न हो तो भी वह इनकी तनिक परवाह नहीं करता, किंतु वह पशु पर झपट्टा मारेगा, वह उसका स्वभाव है। किंतु आप अन्न, फूल, दूध, मांस तथा जो भी उपलब्ध हो उसे क्यों ग्रहण करते हैं? यह क्या है? आप न तो पशु हैं न मनुष्य, आप अपनी मानवता का दुरुपयोग कर रहे हैं। आपको सोचना चाहिए मेरे लिए खाने योग्य क्या है।
व्याघ्र मांस खा सकता है, वह आखिर व्याघ्र है, किंतु मैं व्याघ्र नहीं, मैं तो मनुष्य हूँ। यदि मेरे पास ईश्वर प्रदत्त प्रचुर अन्न फल शाक तथा अन्य वस्तुएं हो तो मैं बेचारे पशु का वध क्यों करूं? यह मानवता है। आप तो पशु के साथ मानव हैं। यदि आप अपनी मानवता भुलाते हैं तो आप पशु हैं। क्षणिक सन्नाटा। अतः हम केवल पशु नहीं हैं, हम पशु के साथ मानव हैं। यदि हम मानवता के गुण को बढ़ाते हैं तो हमारा जीवन पूर्ण है, किंतु यदि हम पशुता में रहते हैं तो हमारा जीवन अपूर्ण है। अतः हमें अपनी मानव चेतना कृष्ण भावना अमृत को बढ़ाना है। यदि आप कृष्ण द्वारा प्रदत्त अनेक प्रकार की खाद्य वस्तुएं खाकर शांतिपूर्वक अच्छे ढंग से रह सकते हैं तो आप किसी पशु का वध क्यों करें? इसके अलावा भी वैज्ञानिक दृष्टि से आपके दांत शाक खाने के लिए बने हैं, व्याघ्र के दांत मांस खाने के लिए होते हैं। प्रकृति ने उसे ऐसा बनाया है, उससे अन्य पशुओं को मारना पड़ता है, अतः उसके नाखून होते हैं, दांत होते हैं, शक्ति होती है, किंतु आप में उतनी शक्ति नहीं होती। आप एक गाय को व्याघ्र की तरह झपट्टा मारकर नहीं खा सकते, आपको कसाई घर बनवाने होते हैं, अपने घर पर ही बैठे रहना होता है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति गाय की हत्या करता है तब अच्छी तरह खा सकते हैं। यह क्या है, आप भी व्याघ्र बनिए, गाय के ऊपर झपट्टा मारकर उसे खाइए, आप ऐसा नहीं कर सकते। अतिथि, तो आप प्रकृति के नियम में विश्वास नहीं करते? मेरे विचार से प्रकृति का नियम हर एक पर समान रूप से लागू होता है। शील प्रभुपाद, प्रकृति के नियम द्वारा व्याघ्र उसी प्रकार से बनाया जाता है, अतः वह वैसा कर सकता है, आप नहीं कर सकते। आपका स्वभाव भिन्न है, आप में विवेक है, अंतरात्मा है, आप अपने को सभ्य मानव कहते हैं, अतः आपको इन सब का उपयोग करना चाहिए। यही कृष्ण भावना अमृत है, पूर्ण चेतन। मानव जीवन तो चेतना की पूर्णता तक उठने के लिए बना है और यही कृष्ण भावना अमृत है। हम व्याघ्र चेतना में नहीं रह सकते, यह मानवता नहीं है। दूसरा अतिथि, क्या हम ऊपर से नीचे गिरे हैं या हम पौधों तथा पशुओं से ऊपर आए हैं? श्रील प्रभुपाद, हाँ, आप स्वभावतः आप ऊंचे से नीचे गिरे हैं, आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आए हैं और तब निम्नतर योनियों में पहुँचे हैं। जब आप अति उन्नति करते हैं तो पुनः इस मनुष्य रूप को पाते हैं। यदि आप अपनी उच्चतर चेतना का उपयोग करते हैं तो इससे भी ऊँचे जाते हैं, आप ईश्वर के पास जाते हैं। किंतु यदि आप अपनी उच्चतर चेतना का उपयोग नहीं करते हैं तो पुनः नीचे चले आते हैं। अतः आप दिग्भ्रमित न हों, ईश भावना अमृत या कृष्ण भावना अमृत ग्रहण करें और यही इस मनुष्य जीवन का सही उपयोग होगा। अन्यथा यदि हम व्याघ्र की तरह मांसाहार की लत लगाएंगे तो हमें अगले जन्म में व्याघ्र का शरीर प्राप्त हो सकता है, किंतु इससे क्या लाभ? मान लीजिए कि अगले जीवन में मैं अति बलशाली व्याघ्र हो जाऊँ, क्या यह बहुत अच्छी उन्नति होगी? क्या आप व्याघ्र के जीवन को जानते हैं? उन्हें प्रतिदिन खाने को भी नहीं मिलता, वे एक पशु पर झपट्टा मारते हैं और उसे छिपा के रख देते हैं, तब सड़े हुए मांस को एक महीना भर खाते हैं, क्योंकि उन्हें पशु मारने का अवसर हमेशा हाथ नहीं आता, ईश्वर उन्हें वह अवसर उपलब्ध नहीं होने देता, यह प्राकृतिक है। जहाँ कहीं भी जंगल में व्याघ्र होता है तो अन्य पशु भाग जाते हैं आत्मरक्षा के लिए। अतः बिरले ही जब व्याघ्र अत्यंत भूखा होता है तो ईश्वर उसे अन्य पशु पर झपट्टा मारने का अवसर देता है। व्याघ्र नित्य अनेकानेक स्वादिष्ट व्यंजन नहीं पा सकता, यह तो मनुष्य जीवन ही है जिसमें हमें इतनी सारी सुविधाएं हैं, किंतु यदि हम उनका दुरुपयोग करें तो हमें व्याघ्र जीवन मिलता है, अति बलिष्ठ तथा झपट्टा मारने की पूरी क्षमता से युक्त जीवन। हरे कृष्ण चुनौती, अध्याय 23, ईश विमुख विज्ञानी। यह बातचीत दिसंबर 1973 में प्रातःकालीन भ्रमण के समय लॉस एंजलिस के वेनिस बीच में श्रील प्रभुपाद तथा उनके कुछ शिष्यों के बीच हुई। भक्त, विज्ञानी कहते हैं कि उनकी तर्क शक्ति बताती है कि ईश्वर नहीं है। वे कहते हैं कि यदि आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो यह मात्र आस्था का विषय है। श्रील प्रभुपाद, यह आस्था का विषय नहीं है, यह तथ्य है। भक्त, जब विज्ञानी तथ्य की बात कहते हैं तो उनका आशय होता है ऐसी वस्तु जिसकी अनुभूति वे इंद्रियों के माध्यम से कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद, हाँ,
और कृष्ण भावनामृत में हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से ईश्वर की अनुभूति कर सकते हैं। हम अपनी इंद्रियों की जितना अधिक भक्ति में ईश्वर की सेवा में लगाते हैं, उतना ही अधिक हम ईश्वर की अनुभूति कर सकते हैं। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को ब्रह्म की सेवा में लगाता है तो वह संबंध भक्ति कहता है। उदाहरणार्थ, हम अपने पैरों का प्रयोग मंदिर तक जाने में तथा अपनी जीभ का प्रयोग ईश्वर का गुणगान करने एवं प्रसाद लेने में करते हैं, भक्त। लेकिन विज्ञानी कहते हैं कि ये श्रद्धा के कार्य हैं। वे कहते हैं कि जब आप ईश्वर को भोजन अर्पित करते हैं तो यह आपकी केवल श्रद्धा रहती है, जिसे आप सोचते हैं कि ईश्वर उसे ग्रहण करता है। उनका कहना है कि वे ईश्वर को खाते नहीं देख सकते। श्रील प्रभुपाद, वे भले न देख सकें किंतु मैं देख सकता हूँ। मैं उन जैसा मूर्ख नहीं। वे आध्यात्मिक रूप से अंधे हैं। वे अज्ञान रूपी मोतियाबिंद से ग्रस्त हैं। यदि वे मेरे पास आए तो मैं ऑपरेशन कर दूं और तब वे भी ईश्वर को देखने लगेंगे। भक्त, हाँ, विज्ञानी ईश्वर को अभी देखना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद, किंतु कृष्ण उनके समक्ष अभी नहीं प्रकट हो सकेंगे क्योंकि वे धूर्त हैं, बहुत बड़े पशु। श्वविड़वरा होष्ट खरे संस्तुत पुरुष पशु। जो ईश्वर का भक्त नहीं है वह बहुत बड़ा पशु, ऊंट, कुत्ता या सुअर है, और उसकी प्रशंसा करने वाले भी उसी जैसे हैं। भक्त, वे कहते हैं कि तुम लोग मात्र स्वप्न दृष्टा हो, तुम ईश्वर तथा वैकुंठ के विषय में कहानियां गढ़ते हो। श्रील प्रभुपाद, वे कहानियां क्यों कहते हैं? चूंकि उनमें समझने की बुद्धि नहीं, इसलिए वे कहानियां कहते हैं। भक्त, वस्तु परकता का उनका मानदंड है वह जिसे वे अपनी इंद्रियों से अनुभव कर सकें। श्रील प्रभुपाद, हाँ, वे अपनी इंद्रियों से ही ईश्वर की अनुभूति कर सकते हैं। जब वे अपनी इंद्रियों से बालू की अनुभूति करते हैं तो बालू किसने बनाई के बारे में वे क्या सोचते हैं? वे नहीं सोचते। जब वे अपनी इंद्रियों से समुद्र देखते हैं तो वे क्या सोचते हैं कि किसने इसे बनाया? वे ऐसे मूर्ख क्यों हैं कि इसे भी नहीं समझ पाते? भक्त, वे कहते हैं कि यदि ईश्वर ने ये वस्तुएं बनाई होती तो वे ईश्वर को भी देख सकते थे, जिस तरह वे समुद्र को देख सकते हैं। श्रील प्रभुपाद, मैं उनसे कहता हूँ, तुम ईश्वर को देख सकते हो किंतु पहले तुम्हारे पास उन्हें देखने के लिए आँखें होनी चाहिए। तुम अंधे हो, तुम्हारे मोतियाबिंद है। मेरे पास आओ, मैं ऑपरेशन कर दूंगा, तब तुम ईश्वर को देख सकोगे। इसलिए वैदिक शास्त्र कहते हैं, तत् विज्ञानार्थम स गुरुमेवा भी गच्छेत। ईश्वर को देख पाने के लिए तुम्हें प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, अन्यथा वे अपनी अंधी आँखों से ईश्वर को कैसे देख सकते हैं? भक्त, लेकिन विज्ञानियों को इस तरह के देखने में जिसकी आप बात कर रहे हैं कोई श्रद्धा नहीं। वे जिस एकमात्र देखने में कोई श्रद्धा रखते हैं वह है जिसे वे अपनी आँखों से तथा अपने सूक्ष्मदर्शी यंत्र तथा दूरबीन से पा सकते हैं। श्रील प्रभुपाद, क्यों? यदि इस समय तुम आकाश को ताको तो तुम सोचोगे कि वह रिक्त है, किंतु वह रिक्त नहीं है। तुम्हारी आँखें अक्षम हैं। आकाश में असंख्य ग्रह तथा तारे हैं किंतु तुम उन्हें देख नहीं सकते, उनके प्रति तुम अंधे हो। अतः चूंकि तुम ग्रह तथा तारे नहीं देख सकते हो तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वह विद्यमान नहीं है? भक्त, विज्ञानी स्वीकार करते हैं कि कुछ वस्तुओं के विषय में वे अज्ञानी हैं, फिर भी वे ऐसी वस्तुओं के विषय में आपकी व्याख्या को नहीं मानेंगे जिन्हें वे अपनी आँखों से नहीं देख सकते। श्रील प्रभुपाद, क्यों नहीं? भक्त, क्योंकि वे सोचते हैं कि आप जो कुछ उन्हें बताते हैं वह गलत हो सकता है। श्रील प्रभुपाद, यह तो उनका दुर्भाग्य है। हमारी स्थूल इंद्रियां ईश्वर तक नहीं पहुंच पाती। उन्हें जानने के लिए हमें किसी अधिकारी से सुनना होगा। उच्चतर ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। भक्त, लेकिन इसमें श्रद्धा की जरूरत है, गुरु में श्रद्धा की। श्रील प्रभुपाद, श्रद्धा नहीं, सामान्य ज्ञान की। यदि आपको आयुर्वेद सीखना हो तो आपको दक्ष वैद्य के पास जाना होगा। आप अपने आप इसे नहीं सीख सकते। भक्त, श्रील प्रभुपाद, आपने जो कुछ कहा है उससे स्पष्ट है कि हम अपने विचारों का समर्थन कर सकते हैं और नास्तिक विज्ञानी अपने विचारों का, लेकिन वे समाज के नियंत्रक हैं, उनकी प्रधानता है। श्रील प्रभुपाद, प्रधानता? हंसते हैं। माया कृष्ण की भौतिक शक्ति कि एक दुलत्ती खाते ही उनकी प्रधानता क्षण भर में गायब हो जाती है।
वे माया द्वारा नियंत्रित होते हैं, किंतु वे अपने को स्वतंत्र समझते हैं, यह उनकी मूर्खता है। भक्त, वे होश में आना नहीं चाहते। श्रील प्रभुपाद, इसलिए वे धूर्त हैं। धूर्त वह है जो आपके द्वारा गलत सिद्ध किए जाने पर भी अपने को सही बताता रहता है, वह कभी भी अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा। और वे धूर्त क्यों बने रहते हैं? न माम दुष्कृतिनो मूढ़ाः, क्योंकि वे दुष्कृतिन अर्थात अत्यंत पापी हैं। क्या तुम देख नहीं रहे हो कि वे संसार को किस तरह कसाईघर तथा वैशाल्य बनाए जा रहे हैं, किस तरह इंद्रिय विलास को बढ़ावा देकर हर एक का जीवन चौपट कर रहे हैं? ये सब पाप कर्म है। चूंकि विज्ञानी इतने पापी हैं, अतः उन्हें घोर नरक की यातना सहनी होगी। अगले जन्म में वे मल के कीड़े बनेंगे, फिर भी अज्ञान के कारण वे अपने को सुरक्षित मान रहे हैं।